घर जगमग हो चुका है क्योंकि फेस्टिव सीजन इज ऑलमोस्ट हियर एंड फेस्टिविटीज मतलब नए कपड़ों की शॉपिंग एंड मैंने बहुत ज़्यादा वाली कर ली है फ्रॉम द ब्रांड कॉल क्रीवा एंड क्रीवा इज वन सच ब्रांड जहाँ पे तुम्हारे जितनी भी एथनिक वेयर की नीड्स है ना वो सब फुलफिल हो जाएंगी बिकॉज दे हैव एवरीथिंग. दे हैव साड़ीज, सलवार कमीज, कुर्ती, गाउन, लहंगाज एंड दे हैव स्पेशल नवरात्रि कैटेगरी एज वेल यार. एंड ये सब तो ठीक है, दे हैव समथिंग फॉर मेन एंड किड्स ऑल्सो. मतलब तुम्हारी शॉपिंग तो हो जाएगी, तुम्हारे घर वालों के भी साथ में शॉपिंग हो जाएगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन आज आई एम गोना शो यू माय फेवरेट आउटफिट्स जो कि मैंने क्रीवा से चूज करे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड यार, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी टू एक्साइटेड. मैं पूरी रेडी हूँ. यस, यू गेस्ड इट राइट, तुम्हें पहला आउटफिट ये मिलने वाला है बिकॉज आई एम द इविल सोडिया यार. ये इनका है वाइट जॉर्जेट में रफल लहंगा जो इसका ब्लाउज है, यहाँ से होता है. वॉट इज अप सोनिया, जो तुम इतना सुंदर ब्लाउज देख रहे हो ना, ये हैंडवर्क हो रखा है यार एंड इतना ज्यादा क्लीन काम कर रखा है इन लोगों ने. इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा इसका दुपट्टा. इट्स लिटरली दी ईजिएस्ट एंड दी हल्का दुपट्टा एवर फॉर अ लहंगा एंड इसके आगे ना इन्होंने ऐसे बॉर्डर दे रखा है. जस्ट प्लेस इट हियर एट द सेंटर ऑफ योर नेक एंड यू आर रेडी. मतलब स्टाइलिंग में भी ना तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसका भी ध्यान कर रखा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी. इसका फिट परफेक्ट है, ये क्वालिटी वाइज भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. लाइक इतना हैवी नहीं लग रहा पहनने में भी, बट दिखने में इट लुक्स लाइक कि लाइक तुम इसे शादी में भी पहन सकते हो या फिर घर में कोई ओकेजन हो ना, छोटा मोटा कोई पूजा हो या कुछ भी हो, तुम उसमें भी पहन के इसे अटेंड कर सकते हो. इट्स दैट अमेजिंग. जो इसका नीचे वाला पार्ट है द लहंगा, द रफल्स आर अमेजिंग, इट लुक्स सो ड्रीमी. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम एन इंडियन प्रिंसेस एंड आई जस्ट वांट टू ट्वर्ल अराउंड इन इट एंड जस्ट रोम अराउंड ऑन स्ट्रीट्स. I want to do that. Oh, one more thing. If you order this lehenga na, तो जो bottom part है, the lehenga part, वो semi-stitched आता है and जो blouse है, वो पूरा ही unstitched आता है. But you can get free stitching. अगर तुम्हारा product 5,000 rupees के ऊपर है, so that's important. We have beige color में ethnic lehenga choli, जिसपे floral design, like ये printed design बना हुआ है and जिसका fabric है, it's in organza material. I love organza lehenga choli. वाला इतनी ज़्यादा मस्त वाली feel आती है ना उसके अंदर. यार इसका fit मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा and मुझे आराम से आ भी रहा है एंड जो इसका नेकलाइन है ब्लाउज का, इट्स जस्ट सो ड्रीमी. ऐसा लग रहा है ये सिर्फ मेरे लिए ही बना है एंड जो इन्होंने कलर कॉम्बो चूज किया ना, लाइक इतना यूनिक है. मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इतना अच्छा निकल कर आया, तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है. प्लस ये ऐसी चीज है जो कि तुम लाइक डे ओकेजन या फिर जैसे बीच वेडिंग या कुछ भी हो ना, तो तुम उसके लिए भी आराम से पहन सकते हो. एक तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है बट दिखने में हैवी लग रहा है. इसका दुपट्टा भी बहुत ही प्रिटी हल्का मिनिमल दे रखा है. इसके कॉर्नर्स पे ऐसे लटकन्स हैं एंड बॉर्डर बेज कलर का दे रखा है. प्लस नेट वाला फैब्रिक है, तो इट्स लाइक शियर थिंग हैपनिंग बट इन अ वेरी डिसेंट वे, लाइक अ पीकअपो सिचुएशन हैपनिंग. So nice. Plus, they are also providing free shipping on orders above ₹1500. Plus, they also have exchange policy and customer support facility also. And सारी चीजें तुम्हें ना description box में मिल जाएगी. मतलब जो ये outfit मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, इनके links भी. So do check that out. करते रहना साथ साथ. Oh my God, I look so good in this saree. I'm self obsessed. इतना heavy thread work का blouse पे design दिया हुआ है. It's so amazing. Like it looks so rich and premium. अंदर से ये चुभ भी नहीं रहा है. And जो saree इसके border पे, we have like floral and embroidery detailing and other detailing going on as well. Like itna zyada perfect lag raha hai, not just for festivities but like even if you have to go attend a wedding ya fir again ghar mein koi bhi function ho, yaar it looks just so amazing. I love this pink color, like it's quite different. Jo ye blouse aur jo saree hai na, ek dusre ko bahut hi zyada acha compliment kar rahe hai in terms ki ye bahut zyada contrast hai, but it looks so nice, it looks so pretty. And ha, mereko saree pehenni aati hai, ye maine khud hi pehenni hai bina kisi help ke. मान लो इस बात को, वैसे सच चाहिए. जो इसका फैब्रिक है, इट्स एन ऑर्गेंजा. अगेन आई लव ऑर्गेंजा एंड इट जस्ट फील सो सॉफ्ट एंड स्मूथ ऑन स्किन. मैं इसको लेकर सो. इस साड़ी के बिल्कुल नीचे आओगे, वी हैव टैसल्स. इतने ज्यादा प्रिटी कलर के ये टैसल्स हैं विद गोल्डन डिटेलिंग. इट्स जस्ट सो अमेजिंग. मतलब इतना डिटेलिंग में ध्यान दे रखा है ना, एंड प्लस इनकी जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एंड इट फिट्स अमेजिंग एज वेल. लेकिन जो ब्लाउज है वो अनस्टिच आएगा, बट दे हैव एन ऑफर फॉर यू. यू कैन बाय एनी टू एंड गेट अ फ्री ब्लाउज. आई मीन और क्या चाहेंगे, फ्री ब्लाउज, फ्री ब्लाउज. ओ माय गॉड, ये इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. मेरे को सारे प्रिटी लग रहे हैं यार. ये मल्टी कलर में है, जकार्ड फैब्रिक में, एंड इसका बेस्ट पार्ट है कि जो इसका प्रिंट है, दैट्स अ डिजिटल प्रिंट. दैट इज सो कूल एंड एक्सपेरिमेंटल अगेन. भाई साहब, ये इतना ज्यादा वाला लाइट वेट है, लेकिन इसका ब्लाउज देखो इतना हैवी वर्क कर रखा है. मतलब जो सामने वाला देखेगा ना, तुम्हें उसे ये लगेगा उसने कितना हैवी, कितना एक्सपेंसिव आउटफिट पहना हुआ है. बट अगेन इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड लाइट वेट यार. मतलब तुम आराम से ट्वर्ल कर सकते हो. सी, आई डिड इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. का दुपट्टा भी बहुत ही ज्यादा प्यारा और लाइट
लाइट वेट है, प्लस इसमें ना थोड़ी शाइन भी आ रही है, तो मतलब रात को तो लाइट्स में ये बहुत ही ज़्यादा वाला चमकने वाला है। इवन तो इसमें ज़्यादा लाइक वैसे वाला लाइक हैवी वर्क नहीं है, बट या इट्स गोना शाइन थ्रू आउट। जब हम यूजुअली शॉपिंग करने जाते हैं तो दिमाग में ऐसे कलर नहीं होता कि मैं पिंक कलर लहंगा लूँगी या फिर रेड कलर लहंगा लूँगी या व्हाटएवर, बट लाइक मल्टी कलर तो लाइक दिमाग में भी नहीं आता है, बट लाइक जस्ट लुक सो प्रिटी यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ we should try these kind of things more often yaar. They also have free shipping on orders above rupees 1500, so tum ye wala outfit check out kar sakte ho, all the links are in description box yaar. Aisi cheez maine kabhi bhi nahi pehni hai, ye hai sequin work mein pink color palazzo suit set, and ye mere ko proper poor vibe de rahi hai, like Kareena Kapoor vibes from K3G. ye bahut hi zyada pretty lag raha hai, ye bahut hi acha fit karke diya hai inhone, like it's not like that tight that loose, so ye wala kafi sahi lag raha hai mere ko. plus iska dupatta is the शो स्टीलर, आई एम टेलिंग यू, इसका डिटेलिंग देखो तुम, बॉर्डर पे तो दे रखा है, प्लस बीच बीच में भी दे रखा है. ओह नाइस, नीचे हमारे पास पर्ल डिटेलिंग भी है, तो लाइक सीक्वेंट पर्ल एंड ऐसे वाली डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रही है. इतना एक्सपेंसिव आउटफिट नहीं लग रही है देखने में, बट अगेन इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. नीचे प्लाजोज है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा वाली कंफर्टेबल चीज़ होती है यार ये, तुम आराम से फ्रीली मूव इन कर सकते हो, खाओ पियो, मतलब तुम बहुत ही आराम से इसमें एंटायर डे अपना स्पेंड कर सकते हो. हाँ मतलब मेहनत की गई है एक आउटफिट में, तो उसे पहन के भी ना मज़ा आता है, एंड देन जब पहन के फिर ऐसा लगे तो फिर तो बल्ले बल्ले ही हो जाती है. इट्स सो नाइस, ओवरऑल इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड डीसेंट. मतलब दुपट्टे पे तो वर्क है ही, कुर्ती पे भी आगे हल्का वर्क है, बट नीचे जाते जाते इट्स लाइक वेरी हैवी, ऐसे लीव्स एंड फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड डीसेंट कूल लग रहा है ये. One more thing, if you're planning to buy a सलवार कमीज from their website now, तो या तो mostly वो सेमी स्टिच होगा या फिर फ्री साइज में भी अवेलेबल है, लेकिन if you buy any 3, you will get a कुर्ती फ्री. कितना सही नहीं है. ये है हमारे पास mermaid scale pattern में printed लहंगा मल्टी कलर में, एंड नीचे थोड़ी सी रफल डिटेलिंग भी दे रखी है भाई साहब. अगेन बहुत ही ज्यादा awesome लग रहा है मेरे को, ये वाले डिजाइन और कट नेकलाइन वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को, लगता है कि ये मेरे पर्सनल स्टाइल को बहुत ज्यादा सूट करता है, एंड ये बिल्कुल उससे परफेक्टली मैच कर रहा है. I love this blouse detail. Plus, इसमें work भी बहुत अच्छा वाला कर रखा है. It looks very heavy, like embroidery work भी है, and ऊपर से ऐसे मोती वाला work भी कर रखा है, hand वाला. इसका दुपट्टा again बहुत ही हल्का पतला सा है. It's not like कि बहुत ही बड़ा वाला इन्होंने material use कर रखा है, नहीं. बहुत ही ऐसे unique concept लगा मुझे. It's just कि बस ऐसे पहनो, जो कि यहाँ पे ऐसे छोटा सा border है, and you're ready. तो ज़्यादा ना इधर उधर नहीं जाएगा. And usually लहंगे में ना मेरे को हमेशा यही problem होती थी कि लहंगा तो पहन लो, सुंदर बन जाओ, सुंदर वाला ले भी लो, लेकिन उसका दुपट्टा इतना भारी होता है तो उसे संभालना इज सो मच टफ, बट ये बहुत ही ज़्यादा इजी है. एंड अगेन गले पे भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, शोल्डर्स पे भी बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा, एंड अगेन मल्टी कलर में है ये भी, हल्का हल्का ऐसे सीक्वेंट डिटेल ऐसे प्रिंटेड वाला वर्क दे रखा है, तो या लुकिंग वेरी नाइस. वी हैव अ बैक सिचुएशन गोइंग ऑन एज वेल, या इट्स नाइस डिसेंट यार, आई लव दिस ट्रैक. ओ इस पे भी वर्क है, ओके. ये लहंगा सिल्क फैब्रिक में है, कैन यू बिलीव इट, इट इज सो सॉफ्ट, लाइक इतना स्मूथ लग रहा है ये स्किन पे, तो बिल्कुल भी ऐसे चुभने वाली फीलिंग नहीं आ रही जो कि मोस्टली लहंगेज में आती है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद. एंड यू नो व्हाट, इफ यू विल बाय वन यू विल गेट 5% ऑफ ऑन अनदर ऑर्डर. यार इतना मजा आया मुझे सारे आउटफिट्स ट्राई करने में, क्योंकि पर्सनली मुझे इंडियन वेयर, एथनिक वेयर, लहंगा, साड़ीज वगैरह ना इजिली मिलती नहीं है अपने पसंद की. अगर छोटी सी बात भी लेना जैसे कि ब्लाउज का नेकलाइन, मुझे समझ ही नहीं आता है, बट यू आई लाइक एवरीथिंग, लाइक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर एंड इनका डिजाइन, फिट, क्वालिटी, एवरीथिंग. एंड डोंट यू गाइस वरी, आज हमने जितने भी सुंदर सुंदर आउटफिट्स ट्राई करे उन सबके लिंक्स मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट क्रीवा की वेबसाइट फॉर अमेजिंग एथनिक वेयर कलेक्शन यार. एंड जस्ट हैव फन दिस फेस्टिव सीजन यार, मस्त मस्त प्यारे प्यारे आउटफिट्स पहन के सुंदर बनो, घूमो फिरो, जस्ट हैव फन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली यार. एंड तो मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारा फेवरेट लुक कौन सा था आज की वीडियो में से, इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. Bye.